जो जीता वही सिकंदर। आज हमारी इस महा कवरेज में इस समय हमारे साथ एक ऐसे विजेता विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार दूसरी बार विजय हासिल की है और इससे पूर्व भी कई बार विधायक रह चुके हैं। अपने जनाधार के लिए प्रसिद्ध हैं। गोला क्षेत्र से विजेता विधायक अरविंद गिरी जी हमारे साथ में हैं। पूछते हैं वो इस पूरे चुनाव में उनका अनुभव क्या रहा और क्या उन्होंने आज की मतगणना में महसूस किया। गिरी जी आपको बधाई। अरे नहीं नहीं, आप बैठ के बोलिए, आज आपके के लिए कुर्सी डलवाई है। देखिए, जिला संगठन से लेके आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, सुनील सिंह जी के नेतृत्व में, प्रभारी हमारे लोधी साहब के नेतृत्व में, उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, जिन्होंने कहा था कि 80-20 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उन्होंने अतिशयोक्त नहीं कहा था बल्कि यथार्थ कहा था, जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास किया। आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा जनपद, जहां 8 सीटें, अगर 9 होती तो 9 भी जीतते, इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 300 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 80-20 का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, विशेषकर लखीमपुर की जनता ने और गोला की महान जनता ने स्पष्ट कर दिया कि योगी जी का सत्य वचन था, 80-20 का चुनाव आज आपके सामने है। गिरी जी, आपने कहा कि सपा के लोगों ने कुछ भ्रम फैलाया जिसको लेकर कि ऐसा नहीं है, इस तरीके का है, कुछ आपके मामले में भी मुझको ऐसा ही लगा। आप बताएं कि ऐसा ही था कि आपको चुनाव के टिकट से पहले स्पष्ट करना पड़ा कि मैं भाजपा में ही हूँ, भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने मुझको कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जब बड़े चैनलों ने बिना मेरी किसी सहमति के, बिना कोई बात किए हुए लगा चला दिया, तब मुझे कहना पड़ा, वरना मेरा कोई हमेशा एक स्पष्ट रहता, छात्र जीवन से अब तक, जहाँ खड़े हैं फिर खड़े हैं, फिर कोई चिंता नहीं है। और फिर आज जो भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कृत की धरोहर को सजो रही है, हमारी राष्ट्रीयता भावना को घर घर में पहुंचा रही है, इस पार्टी से विलग होना तो समझ लो दुर्भाग्य होगा, परम दुर्भाग्य। लंबे समय तक राजनीति में भी रहे और विधायक के रूप में भी रहे, अपने क्षेत्र के में भी काम किया, मैं उसके बारे में कुछ अधिक नहीं कहूँगा कि क्या जनता को अपेक्षाएं हैं, वो खुद बेहतर समझते हैं और बेहतर करेंगे। हमारे साथ आज इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा आज इस जीत पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उम्मीदें थी और क्या उनको परिणाम जो मिले हैं वो उससे कितना खुश हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे। उनको परिणाम जनता के द्वारा प्राप्त हुए हैं, काफ़ी आनंदित कर देने वाला है और मैं इस महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा संगठन और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर उनकी सेवा जो 5 वर्षों पिछली बार की है उससे भी बेहतर करें। चुनाव के प्रभारी रहे लोधी जी भी हैं, उनसे लोधी जी से भी तो इस चुनाव पे पूछते, बड़ी नज़दीकी से उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों को देखा, चुनाव लड़वाया और जीत हासिल की, कुछ अपना प्रतिक्रिया दी। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है, माननीय योगी और मोदी जी की जीत है और जन जन ने चुनाव लड़ा है इसमें, और मैं देश की महान जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ लखीमपुर आया, मुझे असीम प्यार मिला जनता का भी और हमारे कार्यकर्ताओं का, और आपके आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत प्यार मिला, मैं सबका आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोज़।